82,506। विष्णु ने घबराहट के साथ अपने टेबल पर टाइप किया। नंबर टाइप करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। यह वर्ष 2009 की सिविल सेवा परीक्षा में उसका रोल नंबर था। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम अभी अभी सामने आए थे। विष्णु आधिकारिक वेबसाइट में अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन को घूरने लगा। वेब पेज ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंतिम बार 1990 के दशक में बदला गया हो। क्षमा करें, आपका रोल नंबर सफल उम्मीदवारों की सूची में अंकित नहीं है, स्क्रीन पर लिखा था। लखनऊ निवासी विश्वनाथ उर्फ विष्णु एक लंबा सुगठित 25 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्नातक युवा था। अपने 99% बैचमेट्स की तरह दाखिला लेते समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इंजीनियरिंग में प्रवेश क्यों ले रहा था। हालांकि जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, कॉलेज के 5 सत्र पूरे हो चुके थे। फिर भी उसे लगा कि पछताने से बेहतर था देर होना। वह दफ्तर घर दफ्तर की मशीन दिनचर्या में बंद कर रहने वालों में से नहीं था। उसे चुनौतियां चाहिए थी और वह हमेशा लोगों से घिरा रहना चाहता था, मशीनों से नहीं। उसने अपने पिता को डॉक्टर के रूप में एक प्रभावी कार्य करते देखा था। आंतरिक संतुष्टि के साथ भौतिक सफलता को संतुलित करते हुए फिर भी विष्णु बड़ी चुनौतियों और एक बहुआयामी भविष्य चाहता था, और वे चुनौतियां उसे इंजीनियर बनकर नहीं मिलने वाली थी। जैसा कि वह अक्सर अपने पिता के सामने दावा करता रहा था, उसे लगता था कि सिविल सेवाओं में आना, विभिन्न चुनौतियों का सामना करना और उनके समाधान प्रदान करना, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में शामिल होने, मोटा वेतन प्राप्त करने और एक मशीनी जीवन जीने से कहीं बेहतर था। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में प्रवेश पाना उसका सपना था। लेकिन अब अपना इंजीनियरिंग का करियर पीछे छोड़ने को और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने को 1 साल देने के बाद उसकी आशाएं और सपने धराशायी हो गए थे। विष्णु को अपने गले में घुटन महसूस हो रही थी। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वास्तविकता ने उसे जोर का झटका दिया था। वह परीक्षा में असफल रहा था। उसका कड़ा परिश्रम व्यर्थ चला गया था और उसके माता पिता के सपने टूट गए थे। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क रहे थे, जबकि वह पहली बार जीवन का दबाव महसूस कर रहा था। पिछले 25 सालों में विष्णु ने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया था। जीवन में यह उसकी पहली बड़ी असफलता थी और उसे बहुत अधिक कष्ट हो रहा था। यह केवल विष्णु नहीं था जो आहत हुआ था, देश भर से करीब 4,88,000 अन्य उम्मीदवार जो सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त करके एक बेहतर भारत का निर्माण करने का सपना देख रहे थे, ऐसा ही महसूस कर रहे थे। सपने, आकांक्षाएं, प्यार, आशा, विश्वास, भरोसा, आत्मविश्वास, धैर्य, समर्पण, दृढ़ निश्चय, सब टूट गए थे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 5 लाख आकांक्षियों में से केवल 12,000 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। कुछ लोगों ने यह परीक्षा सहकर्मियों और परिवार के दबाव में आकर दी थी। कुछ लोग इसे जीवन में स्थायित्व प्राप्त करने के साधन के रूप में देख रहे थे और कुछ के लिए यह परीक्षा ही उनका जीवन थी। विष्णु के लिए यह परीक्षा उसके सपने तक पहुंचने का द्वार थी, अपने देश के लिए किसी तरह से उपयोगी होने के सपने की। उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखा और भागकर उसके कमरे में आ गई। वे समझ गई कि क्या हुआ था और उसे दिलासा देने लगी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, उदास मत हो, उन्होंने कहा। विष्णु ने रोना बंद नहीं किया, लेकिन एक संकल्प की भावना रेंगते हुए उसके अंदर प्रवेश करने लगी। आंसुओं के प्रत्येक दौर के लिए वह सोच रहा था, यह मेरे जीवन में आखिरी बार है कि मैं एक परीक्षा परिणाम के लिए रोऊंगा। उसने यही विचार अपनी माँ के सामने दोहराया और फिर जी भरकर रो लेने का फैसला किया। 1 घंटे बाद उसके पापा ने उसे बुलाया। तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हारी सफलता का समय आगे बढ़ा दिया गया है, उन्होंने कहा। ओके पापा, आपको निराश करने के लिए सॉरी, अगले साल इसी समय मैं आपको प्रीलिम्स
यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेने की खुशखबरी सुनाऊंगा। विष्णु ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। उसके माँ बाप दोनों को, जिन्होंने उसकी धीमी आवाज में कही बात सुन ली थी, बहुत खुशी हुई। एक ऐसी उम्र में जहाँ थोड़ा सा दबाव पड़ते ही युवा अनियंत्रित होकर उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं, विष्णु ने जिस प्रकार अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा था, उससे उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। हालांकि विष्णु ने अपने माँ पापा के सामने इतनी बहादुरी और संयम से भरा व्यवहार किया था, फिर भी वह उस रात सो नहीं पाया। क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई, वह सोचता रहा। इस बीच उसका फोन बजने लगा। शालिनी का कॉल था। वह उसके स्कूल के दिनों की दोस्त थी, जिससे वह रात को 2 बजे भी बात कर सकता था। विष्णु ने फोन उठाया। हेलो, वह बोला। रिजल्ट गड़बड़ हो गया है ना, उसने पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारे हेलो से अंदाजा लगा लिया था। अब क्या, अगले साल पक्का पास कर लूंगा। हाँ, जरूर कर लोगे, शालिनी ने उसे आश्वस्त किया। मुझे एक बात और कहनी है। क्या? आई लव यू शालिनी, मुझसे शादी करोगी? क्या, तुम्हें हो क्या गया है इस तरह अचानक? क्यों? क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब बहुत ज्यादा है, बस मुझे अपना जवाब दे दो। तुम मुझसे क्या जवाब चाहते हो? तुम्हारा दिमाग उलझन में है, तुम्हारा दिल असुरक्षित है। ज्ञान देना बंद करो प्लीज, और सोचो। सोच लो और मुझे बताओ। अब मुझे सच में नींद आ रही है, गुड नाइट। अच्छी बात है, आराम से सोना, गुड नाइट। अगली सुबह विष्णु उठकर अखबारों के पन्ने पलट रहा था। शुक्र है अब मैं करंट अफेयर्स यानी कि सामयिक विषयों से ज्यादा सिनेमा की खबरें पढ़ सकता हूँ, उसने मन में सोचा। उसके पापा जो पिछली रात देर से घर आए थे, अभी अभी मॉर्निंग वॉक से लौट कर उसके पास आ गए थे। मैं रिजल्ट के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता बेटा, बस उसको पीछे छोड़ो, एक छोटा ब्रेक लो और फिर से तैयारी में लग जाओ, उन्होंने कहा। विष्णु ने तीसरे पन्ने पर छपी दीपिका पादुकोण की तस्वीर से आगे हटाए बिना सिर हिला दिया। प्रभाकर का फोन आया था, लगता है हरि ने प्रीलिम्स पास कर लिए हैं। उनके घर में उसके पापा सिर के बल कूद रहे हैं, जबकि हरि कलाबाजियां खा रहा है, विष्णु के पापा ने कहा। हाँ हाँ, मुझे इसी बात की उम्मीद थी, हरि के फेसबुक स्टेटस पर लिखा है, दुनिया को जीतने के रास्ते की ओर। विष्णु अपने फोन की ओर इशारा करते हुए हंसा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, लंच के लिए घर नहीं आऊंगा। विष्णु सुबह उठने के बाद से 3532वीं बार अपना फोन चेक करते हुए चिल्लाया। फिर वह तैयार होकर फिल्म देखने चला गया। एक नया संदेश प्राप्त हुआ है। फिल्म के बीच में विष्णु के फोन ने बीप किया। उसने पॉपकॉर्न में डूबी उंगलियों से संदेश खोला। समय चाहिए सोचने के लिए, आकलन करने के लिए। चलो हम 1 महीने के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर अपनी भावनाओं के आधार पर फैसला करेंगे, मैसेज में लिखा था। ओह, वह फिर शुरू हो गई, विष्णु ने आह भरी। एक बार फिर उस रात विष्णु के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। उसकी नजर पास के एक साइनबोर्ड पर लगे विज्ञापन में अंकित शब्दों पर पड़ी, जिसमें लिखा था, कभी भी एक ही काम बार बार करके अलग परिणाम की अपेक्षा न करें। विष्णु को लगा जैसे वे शब्द उसके लिए ही लिखे गए थे। बात विषय की है, मैंने गलती कर दी, मुझे इस परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहिए थी, अंत में उसने निष्कर्ष निकाला। विष्णु के दिमाग का दूसरा हिस्सा शालिनी के बारे में सोच रहा था। बाहर से विष्णु को पूरा विश्वास था कि शालिनी उसके प्यार का जवाब प्यार से ही देगी, आखिरकार दोनों स्कूल के समय से अच्छे दोस्त थे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह अंदेशा था कि जरूरी नहीं यह बेस्ट बडी का टैग शालिनी को उसके पक्ष में फैसला लेने के लिए प्रेरित करे, बल्कि वह तो बिल्कुल इसका उल्टा करेगी, वह ऐसी ही है।
उसने सोचा। वैसे भी वह खुश था कि उसने अपने कैरियर के संदर्भ में अपने अम्मा पापा को और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में अपनी दोस्त को साफ साफ बता दिया था और वह जोर जोर से खर्राटे भरते हुए सो गया। विष्णु ने अगले कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में और हाल ही में रिलीज हुई सभी नई फिल्में देखने में बिताए और अपनी परीक्षा की तैयारियों से पूरी तरह से दिमाग हटा लिया। दो हफ्ते कुछ न करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ न करना दुनिया का सबसे कठिन काम था, तो उसने अपनी किताबें वापस स्टडी टेबल पर रखनी शुरू कर दी। उसे लगा कि काम पर लौटने का समय आ गया था। उसे महसूस हुआ कि उसने इस बार परीक्षा से पहले ज्यादा अभ्यास और मॉक टेस्ट नहीं लिए थे और वह मुख्यतः अपनी स्वयं की तैयारी पर निर्भर रहा था। उसने परीक्षा के लिए किसी कोचिंग क्लास में दाखिला नहीं लिया था, लेकिन अब उसने कोचिंग की गाड़ी में सवार होने का फैसला कर लिया।